बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी माशाल्लाह हमारे पास टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, तकरीबन 4 बजे का हो चुका है। और 4 बजे हमारी क्या रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं हूँ जी अपनी सिस्टर के घर, जो मुझसे बड़ी है उनके घर। वैसे तो तीनों ही मुझसे बड़ी हैं, तो अम्मी के बैक साइड पे जो घर है वो मेरी सिस्टर का घर है। फिर उनको भी मैं इधर ही लेकर आ गई हूँ, तो वो अंदर जो है रेस्ट कर रही हैं। दलिया वगैरह उनको बना के दिए, तो मैंने कहा जो नरम ग़ज़ा होती है उसका इस्तेमाल कर रही हैं। आस्ता आस्ता जो है माशाल्लाह से मेरी फैमिली ने काफ़ी सारी अम्मी जान के लिए दुआएँ की हैं, तो अल्लाह पाक हमारी भी हमेशा दुआएँ होती है कि अल्लाह पाक सबको तंदरुस्ती और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और सबकी माओ के जो साया है ना वो हमेशा बेटियों के सरों पर सलामत रखें। तो अभी आप ही जान जो है वो हो गई है चारा जानवरों को डालने के लिए, इसलिए मैंने कहा क्योंकि शाम के टाइम ये रूटीन होती है जानवरों को सायेदार दरख्तों के नीचे से साइड पे फिर लेकर यहाँ पर उन्होंने बांध दिया। अभी इनको डाल दिया चारा और वो चारा खा रहे हैं। अभी एक जानवर जो है ना उसका बर्तन नहीं है, वो उसको देंगे। मोहम्मद सुबान जो है वो इधर खेल रहे हैं अपने कज़न के साथ। तो यहाँ पर बच्चे आए तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी हो गए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे जो है वो खेल के बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। सारा सेहन में पानी का छटा लगा दिया और अभी झाड़ू लगाते हैं और अपना सारा जो है शाम के मंजे बिस्तर जो है वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि शाम की ये रोज़ की रूटीन होती है कि चारपाइयाँ जो है वो बाहर निकालते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने कुछ कमेंट्स आए थे एक सिस्टर का, वो बोल रही थी कि आप जो है बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं कि आपने अपनी चारपाई पंखा और वो घर में बाहर ही रख के आ गई हैं और तंदूर को भी ऊपर से बंद नहीं किया। तो ऐसी बात नहीं है, असल में जब से हमारे जो है जानवर हमारे मुर्गे थे वो मरे हैं, तब से हमने एक फैमिली को अपने घर की जिम्मेदारी सौंप दी है कि जब भी हम लोग कहीं जाएं तो वो हमारे घर की सारी जो है देखभाल करते हैं। इसलिए मैंने चारपाई रख दी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी मैंने उनको बोल दिया था कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो हो सकता है कि मैं 3-4 दिन हम लोग वापस ना आए, तो इसलिए फिर उन्होंने भी बैठना होता है। चारपाई इसलिए रखी और पंखा भी रखा है, गर्मी में फिर बैठा नहीं जाता पंखे के अलावा। और वैसे भी माशाल्लाह हमारा इलाका काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर ये चोरी वाला इतना सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोलर प्लेट्स हैं और सारी चीज़ें जो वो बाहर पड़ी रहती हैं। अभी तो गर्मी है तो सर्दियों में भी इतनी लंबी रातें होती, इतनी धुंध होती थी, जो भी होता था ना सारी चीज़ें बाहर पड़ी रहती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंशाल्लाह आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद बंदा रखे तो हमेशा अच्छा अच्छा यकीन रखना चाहिए। यकीन अगर अल्लाह पे हो तो फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। फिलहाल जी हम झाड़ू लगा लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि आप बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। वो सो रही है क्योंकि ये सारा दिन खेलती रही है। अभी मैंने इसको कहा कि आप सो जाओ, दोनों बहन भाइयों के नहला दिया। तो असल में हम लोग ज़्यादातर इधर आप ही के घर में रहते हैं, क्योंकि अम्मी का घर जो है वो भी सारा वो पक्का है ना, इसकी वजह से इतनी गर्मी है ना वहाँ पे। तो यहाँ पर लेंटर वाली छतें तो होती नहीं है, टीयर और गर्डर डालते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तपिश आती है। तो ये कच्चा है, अभी जैसे ही पानी का छट्टा लगाया तो मिट्टी की इतनी ज़्यादा खुशबू आने लग गई। तो यहाँ पर जो है एहसन मेरे भांजे ने बनाया हुआ अपना छोटा सा घर बनाया उसने,
पत्थर की छोटी छोटी दीवारें बनाई हैं और साथ में छोटे छोटे जो है पौधे भी लगाए हैं यहाँ पर। ये इसने गुले दोपहरी भी लगाई हुई है। और ये रूम देखें, और रूम को आगे से ना ऐसे पर्दे लगाए हुए हैं। इसमें है क्या चीज़ पड़ी हुई? यहाँ पर कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ तो है, मेरे ख्याल में ये किचन का सेटअप है सारा। और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये जानवर भी खड़े हुए हैं तो ऐसे। और ये इतना प्यारा फूल भी लगाया हुआ है जी। घड़ा भर के रख लेते हैं पहले, क्योंकि मोहम्मद सुबान भी पानी मांग रहा है तो पानी जो है वो भी ठंडा निकाल लेते हैं। दिन को घड़ा जो था दूसरा आप ही का वो टूट गया है, इसलिए फिर उन्होंने नया लेकर बर्तन रखे हुए। तो यहाँ पर गांव में जो ख़वातीन है वो बर्तन हर साल जब गंदम का सीज़न होता है तो बर्तन कच्चे लेकर रख लेती हैं। तो आप ही ने सारी चीज़ें चाटी और इस तरह के लेकर रखी हुई हैं। इसको अच्छे से धोना पड़ेगा और अभी इसकी जो खुशबू आनी है ना मिट्टी की, क्या ज़बरदस्त होगी। बस ये है कि इसकी शेप उन्होंने प्यारी बेचारे की नहीं बनाई है। मेरे घड़े की बड़ी सोहनी शक्ल है। हाँ जी आंटी उधर गई है ना, चारा चारा लेने। यहाँ पे एक और सहूलत, हैंडपम्प की बजाय जो है ना गड़ा हम भरेंगे मोटर से। जी गड़ा हमने भर लिया और अभी जाके ये गाड़ी है, आपने अपनी कज़न की गाड़ी उठा ली है। मोहम्मद सुबान मेरे पीछे पीछे, आज नानी ने उसको अच्छे से सुरमा डाला है सलाइयों वाला। पसीना देखो फिर जो है ना वो सो रही है। तो पहले पी लेते हैं पानी, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थी और प्यास लग गई। गर्मी में फिर बार बार प्यास जो है वो लगती रहती। ओए नहीं करो, सारा कलर उतार रहा है। असल में जब ये कमरे नए बने थे तो ना फ़ौरन ही भाई की शादी थी, फिर उन्होंने कलर करवा दिया था जिसकी वजह से ना उस टाइम गीला था, तो ये अभी कलर उतरना शुरू हो गया। वैसे है तो अच्छे वाला कलर किया। क्या लेना है देती? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम जो है वो हो चुका है मुकम्मल। चारपाइयाँ वगैरह मैंने निकाल दिए और बर्तन वगैरह और घड़ा भी भर के रख दिए। अभी आप ही जो है ना वो अभी सेकंड टाइम का चारा जो है वो उन्होंने डाला है जानवरों को, अभी आते ही उन्होंने लगा दिए मशीन। तो यहाँ की औरतों की जो रूटीन है वो बहुत टफ होती है। अभी उन्होंने कपड़े डाल दिए, सुबह के लिए जानवरों के लिए चारे की कटाई करके लेकर आएंगी, जो थोड़ा कुछ रात को भी डालेंगे बाकी सुबह के टाइम डालेंगे। तो मशीन ऐसे ही लगी रहेगी और फिर कपड़े भी धुल जाएंगे और वापसी पे आके वो कपड़ों को गंगा लेगी। अभी जी आप ही गई हैं चारा काटने के लिए, तो हमने कहा चलो हम उनको ना चारा उठवा के लेकर आते हैं इस साइड पर। तो उधर ऊपर माशाल्लाह से यहाँ पर जो है आमों के दरख्त जो हैं वो बहुत ही बड़े बड़े लगे हुए हैं। आम आजकल बहुत महंगा बिक रहा है। अभी जी मोहम्मद सुबहान जो है ना वो भी हमारे साथ आया। मैं अकेली नहीं काट रही हूँ, आप ही भी हैं, लेकिन वो साइड पे हैं क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आती हैं इसलिए। जी मामा, तो हमारा तो ये काम है जी, हम लोग तो ये करते हैं।
तो जो नहीं आते फिर कैमरे के सामने, हमने उनको कभी नहीं कहा कि आप लोग आए। ये तो ये है ज्वार का खेत, और ये वाली है सारे तिली जो हमने काश्त की है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी जल्दी काश्त हो जाती है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। इस पे जो है ऐसे डोडी भी लगी हुई है, बड़ी होगी। तो इस जो ये डोडी सी छोटी सी लगी हुई है ना, इसमें तिली होगी, और फिर ये इसमें से निकालेंगे। इसको क्या करना, ये गन्ना नहीं है, खाते नहीं है इसको। ज़्यादा नहीं काटा क्योंकि उनके पास है ही थोड़ा सा, तो इसमें वो तूड़ी वगैरह मिक्स कर लेती हैं और साथ में मकई चालें। मोहम्मद सुबान बोल रहा है कि पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अभी जो हमने चारा जो है वो काट लिया, इसको लेकर जा रहे हैं अभी घर। वजन ही नहीं है इतना, मोहम्मद सुबान को उसकी खाला जो है ना वो लेके आ रही, तो मैंने कहा चलो मैं आज चारा लेकर जाती हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये काम किया। खाओ खाओ पहले वाले, इधर देखना शुरू हो गई। ये चारा आ गया हमारा, अभी चारा आ गया, इनको रात को काट के डालेंगे जब इसका दूध निकालना है उस टाइम। अभी फ़िलहाल अम्मी को पूछने के लिए कोई मेहमान आ गए तो उधर चलते हैं और उनकी कोई खातिर तवाज़ा करते हैं। आप ही चली, वो हमने धो लिए, मैंने वो तार पे डाल दिए, और अभी पिला रही हूँ पानी जानवरों को। तो अभी इनको, इन्होंने जो है ना वो खा लिया चारा, तो चारा खाने के बाद इनकी रोज़ की ये रूटीन होती है, शाम को पानी पिला के देते हैं। सुबह भी एक टाइम पिलाते हैं और शाम को और दोपहर में भी तीन दफ़ा। अभी सबको ये प्यास लग चुकी है क्योंकि जैसे ही इन्होंने चारा खाया फिर ये मुँह उठा के इधर इधर देख रही थी। मैं कपड़े धो रही थी, मैंने कहा चलो इनको पानी भी साथ में पिला देते हैं। साथ में थोड़ा थोड़ा नहला भी देते हैं, ठंडे हो जैसे। तो ज़्यादा नहीं नहलाएंगे क्योंकि फिर जो है ना कीचड़ बन जाता है। इसकी भी ख्वाहिश पूरी कर दे। अभी जी शाम हो चुकी है और शाम के खाने की हो रही है तैयारी। तो खाना जो है रात का वो मैं इधर ही बनाया है अम्मी के पास। आधा काम आप ही का करती हूँ और आधा अम्मी का करती हूँ, क्योंकि वो पहले सारा जो है वो काम अम्मी का आप ही करती है। तो अभी तंदूरी मैंने जला दी है और सालन जो है वो दोपहर वाला पड़ा था। तो अभी कुछ लोग यहाँ पर गाँव में आके दूध के साथ रोटी खाते हैं, मीठी लस्सी के साथ खाते हैं, ज़्यादातर दूध के साथ। तो सालन नहीं बनाया, दोपहर वाला पड़ा हुआ था, तो अभी रोटियाँ बनाते हैं और फिर सबको रात का खाना देंगे। और अभी मोहम्मद सुबान के काम चेक करने, जूता उतार के भागा आ रहा है। तो सारा दिन ही इनके नाना अबू की शॉप है ना, तो ये सारा दिन, वालेकुम अस्सलाम, तो ये सारा दिन ही लगे रहते हैं दोनों बहन भाई चीज़ लेने के लिए। कभी कोई चीज़ खाते नहीं है। तो ये शाहजेब का जो है वो है, अल्लाह आगे ही ना चली जाए, ख़तरनाक काम करते हैं बच्चे। खोल दूँ, इधर लो, मुझे भी चेक करवाओगे नीम को, मैं भी खा लूँ थोड़ी सी। ये लो माशाल्लाह जी, करारी नीम को, और साथ में इसमें है तारिक साहब ने ले लिए। ये लो, ये एक दफ़ा ये तो खा लो सारी चीज़ें। किससे लेकर आए हो, नाना बू से, किससे लिए हैं, चाचू से? ठीक है,
भाई दो दो शॉप है ना, एक खालू की भी है और एक नाना अबू की भी है, दोनों से ले लेते। ये लो चुप्पा, सारी विटी गई, सारा मुंह है ठच कीता वैसु आई दुवे। मैंने कहा मैं आपको खिलाती हूँ, फिर ऐसे उल्टा कर दिया ऐसे करके, वो सारी जो थी नीचे चली। इसको थोड़ा सा हिला जुला लेते हैं, और उधर मैं बाजी से भी पूछ लेती हूँ कि उन्होंने अगर आटा गूंद लिया ना तो उनसे भी पूछ लेते, फिर दोनों बहनें मिलके इकट्ठी इधर ही रोटियाँ लगा देंगी, अम्मी लोगों की भी और उनकी भी। आज नाराज़ बान जो है ना उसकी जो है निमको गिर गई है नीचे, अभी वो नाराज़ हो गया। इधर आओ, ये लो, इसको मनाना पड़ेगा। इधर आंटी, चलिए आंटी इधर चलिए।